हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक से, तो डस्टिंग वगैरह हो गई है। फिर मैं यहाँ पे मैं कारपेट डाल रही हूँ, फिर इसके बाद जाऊँगी शावर लेने, उसके बाद किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी मैं आज पोहा। पोहा मैं बहुत बनाती हूँ क्योंकि घर में सबको पसंद है, सब खा लेते हैं अच्छे से, तो इसके लिए वीक में 2-3 बार तो बनाती ही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं टोमेटो वगैरह कट कर रही हूँ पोहा बनाने के लिए। और यहाँ पे सब्जियाँ कल आई थी, वो सब धुल के रखी हुई थी कल रात में ही, तो सूख गई है, और सब भी मैं रख दूँगी अरेंज करके। और यहाँ कढ़ाई में ऐड की हूँ मैं अनियन, टमाटो, मिर्च वगैरह जो भी पड़ता है पोहा में वो सब। तो अभी हरी मटर का सीज़न है तो मैं आलू नहीं ऐड करती हूँ पोहे में, हरी मटर ऐड करके बना देती हूँ। और ये देखो बथुआ है, यूपी में इसको बथुआ बोलते हैं, बाकी जगह पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो ये पहली बार मिला है, यही सीज़न में मिलता है, तो उसकी पत्तियां मैं तोड़ ले रही हूँ। ये ब्लैक उड़द की दाल होती है ना छिलके वाली, उसके साथ इसको ऐड करके बनाते हैं दाल, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है। और फिर लाल मिर्च का और लहसुन का जीरे का तड़का लगा के बनाते हैं। आरुष और आदि नहीं खाते हैं तो ये जब बनता है तो लोग के लिए कुछ और बनाना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पसंद नहीं आती। हम लोग भी नहीं खाते थे पहले ये दाल, जब बनती थी तो बहुत चिड़चिड़ करते थे, तो जल्दी बच्चों को तो नहीं पसंद आती। और यहाँ पे देखो ये टीवी देख रहे हैं, तो इनको ऐसे लग रहा है कि दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, पास में खड़े होकर देख रहे हैं। और ये टीवी यूनिट का काम चालू था, कम्प्लीट हो गया है, उसका टूर मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपका फिनिश हुआ तो मैं आपको लेके जाऊंगी। नहीं चलो, पापड़ हो गया बस, चलो पापड़ पत्ता पापड़ सब्जी वगैरह था वो सब लेके आए थे, सब साफ करके रख दी हूँ। और थोड़े बहुत बर्तन थे चाय के, वो भी धुल के रख दी हूँ, कुछ भी काम नहीं है। आज सैटरडे है, आज होमवर्क नहीं आया है, बट थोड़ा ऐसे ही मैं दी हूँ करने के लिए, क्योंकि अरुष की लिखने की प्रैक्टिस ना थोड़ी स्लो हो गई है अच्छे से। लिखेंगे एक्स्ट्रा, नहीं तो बीच में क्या होता था, जो जितना आता था स्कूल से उतना लिखते थे, छोड़ देते थे। मम्मी अब लिखना बहुत छोड़ा, हमेशा आरुष पूरा करो, जल्दी फिनिश करो फिर चलेंगे। पापड़ भी परेशान है, बाहर जा रहे हैं हम लोग, खाना बनाने का मन नहीं था तो होटल। और आरुष और आदि जिद कर रहे हैं बाहर जाने के लिए,
तो हम लोग जाके आते हैं। आरुष चले भी नहीं गए हैं, उनको रहा नहीं जा रहा, थोड़ी देर वेट नहीं कर पाए मेरा, वो फटाफट से कपड़े वपड़े पहने और चले गए नीचे। तो फोन पे फोन आ रहा है, तो चाहते हैं हम लोग डिनर करके आते, फिर खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो मैं नीचे गई थी, नीचे से वापस आ गई हूँ, सब लोग चले गए थे, मास्क लेना भूल गए थे, तो वही मैं लेने आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो 11 बजे के बाद सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, और मास्क नहीं पहन के जाएंगे तो पता नहीं कोई देखेगा तो फाइन वगैरह मारेंगे, और वो सब तो बात की बात है, इसमें हमारी सेफ्टी है। तो मैं सोची कि ठीक है चलो 5 मिनट और लेट से ही ले कर आती हूँ, हम लोग निकलते हैं। पापा मैं बताता हूँ तेरे को, ये बारिश जैसा नहीं था। आदि खोलो डोर, और देखो कितनी बिल बजा रहा है, सबर नहीं यार उसको, नीचे रुके थे हम लोग, गए तो बारिश जैसा कुछ भी था ही नहीं, और अंदर हम लोग बैठे थे, फिर उसके बाद 2-3 लोग आए, तो हम लोग बोल रहे कि ये भीगे भीगे क्यों लग रहे हैं, क्या हो गया, ये लोग भीगे क्यों आए, कहाँ से आए, ऐसा लग रहा था, और कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और फिर बाहर आके देखे तो इतना पानी पानी है पूरा रोड पे, मुझे लगा कि शायद कुछ तो लेके जाएगा गटर वगैरह का, तो बहके जा रहा है, देख रहे तो पूरा रोड गिल्ला, इतनी बारिश हुई ना कि पूरा साइड साइड में पानी भरा हुआ है। तो आरुष का पेट भरा नहीं है अभी, देखो आरुष अभी नहीं खोलो, चाचू को आने दो। मम्मी कौन है बता दी, मेरी टेची भी अपने आप ऊपर नीचे जा रही है, मैं अभी चेतन फोन पे ड्राइवर है यारी, हां नीचे जाते ड्राइवर ना छूट पॉइंट के पीछे, हां पीछे नीप तू फुल पे थी मम्मी, अच्छा नीप ना डान फुल पे थी, मतलब तू फुल पे थी, हाँ बे दबाया तो आई थी शरीफ, हाँ तो बे डेट खोलनी थी, कोशिश किया नहीं, कोशिश नहीं किया, फिर छोटा थी खोलू पर नहीं खोलू, एक बार तुम लिफ्ट में फंसे थे मम्मी, अच्छा नीप इच्छे खुद अपने आप ऊपर नीचे जा रही है, क्योंकि लिप और अंतर नो ना ऊपर और नीचे साइड ना बैड नेट लगाए हुए आरुष बोल रहा नीचे मैग्नेट लगा के गए अंकल, और ऊपर तो नीचे आती, एक मिनट आरुष, नीचे आती है तो ऊपर वाला मैग्नेट ऊपर खींच लेता है, और नीचे जाती तो लिफ्ट ऊपर जाती, तो आरुष नहीं नहीं चाचू को आने दो, घूम भी जा रुको आने दो, उनको नीचे आ गया शायद आवाज आई गाड़ी की, ये खा के आए, इनका पेट नहीं भरा, इतने पेट हो गए नारुष, ये क्या बोलूं मैं, तो ये कहीं गए थे आरुष के चाचू, तो फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर वेट भी कर रहे थे, बोले आता हूँ और नहीं आए, तो फिर पार्सल ले गया उनके लिए। तो चलिए फिर मैं करती हूँ ब्लॉग का यहीं पे, बाय, टेक केयर, बाय। Bye bye bye. Bye bye bye.